हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। क्योंकि मैं शाम को नहा के रेडी हुई हूँ और ये देखिए ये मेरा लुक है। और मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने, और अकेले ही बनाना पड़ता है। अभी रेडी नहीं हुई है, शाम का वक्त है और मैं जा रही हूँ। देखो बाल सुखा रही हूँ, अब शाम को वीडियो मैं अकेले अकेले शूट करती हूँ। अच्छा भी बन जाता है, कभी कभी ख़राब भी बन जाता है। तो फ्रेंड ये है मेरा सिंपल लुक। मैंने अभी फेस पे कुछ नहीं लगाया, बस नहा के आई हूँ। और अभी नहीं, क्रीम वगैरह नहीं गर्मी में लगाती हूँ। क्रीम तो मुझे बहुत दिन हो गए नहीं लगाया, मैंने क्रीम वगैरह नहीं लगाती हूँ जल्दी। लेकिन जब नहा के रेडी होती हूँ, और अभी मैंने काफ़ी कंघा वगैरह नहीं किया है, मैं एक कहाँ से करूँ, बाल भी झड़ने लगे हैं। और गाइस वीडियो बनाने जा रही हूँ तो हो रही हूँ रेडी, आप लोग देख सकते हो। और नहीं रही मेरी वीडियो में, मैं जो जो काम करूँगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी, और क्या वीडियो में बनाऊँ मैं। तो फ्रेंड लोग ठीक लग रहा है ना, सिंपल एंड सोबर। सोबर मतलब सिंपल ब्यूटी, जितनी सिंपल हूँ मैं उतनी अच्छी लगती है अपने आप को, क्योंकि अपनी कदर करनी आनी चाहिए। और मैं जितनी सिंपल रहती हूँ उतनी अच्छी लगती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, जब कभी मूड होता है तब करती हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो गाइस बाल सूख जाए फटाफट से, फटाफट से बाल देखो मेरे जड़ भी गए बहुत। चलते हैं, क्या कर दिखाते हैं आपको हमें। खाना खाने की क्या जरूरत है, तुम तो बस शैतानी करने में माहिर हो, कटोरे को ले लेके भागो। कितनी जोर से आंधी आ गई मेरे यहाँ पे, अंधेरा हो गया है, मैं कैमरे में दिखा रही हूँ आंधी आ गई है। देखो आंधी चल रही है, तखत भाग गया है फिर मेरे यहाँ। रोज भाग रहा है आजकल, आज काफ़ी दिन में आई आंधी। रात में बज रहे हैं 11, अभी आगरा में आई थी आंधी, और अब अभी 1-1.5 घंटे पहले आगरा में आई और अब यहाँ आ गई है। उनके पापा बता रहे थे कि वहाँ पर भी अब आंधी आ गई है, मेरे यहाँ तो नहीं आई है लेकिन यहाँ आ गई है। तो गाइस यहाँ भी आ गई है आंधी। गाइस हम आ गए हैं गीता नगर, और यहाँ पर हम करेंगे फीस जमा, और देखते हैं पैसे वैसे भी निकालेंगे क्या करेंगे। तो आगे आगे बस दिखाते हैं हम आपको, आप बने रहिए मेरे वीडियो में। और मेरे तो देख ही रहे हैं आप कितनी हैं। खाना खाने की क्या जरूरत है, तुम तो बस शैतानी करने में माहिर हो, कटोरे को ले लेके भागो।